शारदीय नवरात्रि पर 9 दिनों तक गोरखनाथ मंदिर स्थित शक्तिपीठ में मां दुर्गा के 9 देवी स्वरूप की आराधना की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना करने के बाद 3 दिनों तक पूजा अर्चना करने के पश्चात मुख्यमंत्री व गोरक्षपितादेश्वर योगी आदित्यनाथ लखनऊ रवाना हो गए थे। मंगलवार को महानिशा की पूजा करने के साथ 5 दिनों तक मंदिर में पूजा अर्चना करने सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम बुढ़िया माई मंदिर पहुंचकर मां दुर्गा की प्रतीक बुढ़िया माई का विधि विधान से पूजा किया, साथ ही वहां की व्यवस्थाओं से रूबरू हुए। योगी ने मंदिर की हालत सुधारने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए तथा वहां की सड़कें, शुद्ध पेयजल, मंदिर परिसर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाने के निर्देश दिए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधान जी शारदीय नवरात्र चल रहा है, पिछवा कर लीजिए थोड़ा सा। शारदीय नवरात्र में आदि शक्ति माँ भगवती से जुड़े हुए सभी पवित्र स्थलों पर भारी संख्या में सनातन हिंदू धर्मावलंबी जाकर के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और उसके बाद उससे पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पवित्र बुढ़िया माई का स्थान है, एक पौराणिक शक्तिपीठ है। गोरखपुर और आसपास के जनपदों से भारी संख्या में श्रद्धालुजन यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव था, क्योंकि वन विभाग के बीच में यह पड़ता था। वन टांगिया गांव से जुड़े हुए मजदूरों ने आज से 100 वर्ष पहले यहां पर देवी की स्थापना की थी। उससे पहले से चल रही थी, लेकिन उनकी परंपरागत रूप से उन्होंने इस पूजा और इस विग्रह को यहां पर आगे बढ़ाने का कार्य किया। हमारी सरकार ने यह क्षेत्र बुढ़िया माई के नाम पर आरक्षित किया है। यहाँ पर आने के लिए अभी मैंने जिलाधिकारी से भी, प्रशासन से भी इस बारे में कहा है कि मुख्य सड़क से यहाँ पर आने के लिए इंटरलॉकिंग की व्यवस्था, बुढ़िया माई के स्थान के चारों तरफ विकास और जो सरोवर है इसके भी विकास की कार्य योजना बन जाए। दूसरा, जो श्रद्धालुजन यहाँ पर आते हैं उनके लिए सामान्य प्रसाधन की व्यवस्था, उसके लिए यहाँ पेयजल की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो। यहाँ से हट के थोड़ी दूर पर जो इस मंदिर के नाम पर आरक्षित जगह है वहाँ पर, जिससे वन संरक्षण का भी काम हो सके, सफाई की व्यवस्था भी हो सके, जितना कूड़ा कचरा यहाँ पर जगह जगह गिरा हुआ है सब सफाई हो, इसकी ठोस कार्य योजना बने और यहाँ पर हर समय श्रद्धालुजन आकर के आदिशक्ति माँ भगवती दुर्गा की ही विग्रह माँ बुढ़िया माई के दर्शन कर सकें, अपनी श्रद्धा के माध्यम से अपनी आस्था को भारत के सनातन धर्म के प्रति और प्रगाढ़ कर सकें, जिससे इस कार्य योजना की जिससे आज मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं यहाँ पर बुढ़िया माई के दर्शन कर सकूँ और यहाँ के विकास में हम लोग कुछ योगदान दे सकें, इसी दिशा में रहे हम।